तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप करता हूँ सब अच्छे होंगे, और अगर नहीं हो तो वीडियो देख के हो जाओगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ होगा हट के, कुछ नया, कुछ बेहतरीन। सो बने रहना एंड तक, ठीक है, पूरा देखना। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा पार्ट अपने गुजराती ऑडियंस के लिए लाया हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। सो गुजराती लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। सो केम छो मारो गुजराती भाइयों ने बहनों, तमारा माटे एक बहुत यूजफुल ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। सो ध्यानपूर्वक सांभजो, हमणां नीट 2024 नुं रिजल्ट आव्युं, तो घणा लोकोने बहुत सारा मार्क्स आव्या हशे, अने घणा लोकोने एटला सारा मार्क्स नहीं आव्या हो। तो जेने सारा मार्क्स आव्या छे एना माटे तो वेल एंड गुड, पण जेने नथी आव्या एने चिंता करवानी जरूर नथी। ए लोको बी MBBS करी शके छे, ए लोको माटे बी हजी तक छे। क्या? तो के MBBS एब्रॉड, ठीक छे। तमारे अगर MBBS एब्रॉड करवू होय, घणी बधी कंट्रीज छे बराबर, तमारे अहीं MBBS करवू होय, तो तमारे सौथी पहला एक जोईए कंसल्टन्सी जे भरोसापूर्वक होय अने जे तमारा बधाय काम बहु सारी रीतना करी शके अने बहु सारी रीतना तमने एडमिशन प्रोवाइड करी शके अने बधी प्रोसिजरमां कोई भी तकलीफ ना आवे। तो एना माटे एक कंसल्टन्सी साथे हूँ कॉन्टेक्टमां छुं पर्सनली। सो एनुं नाम छे सर्वम एज्युकेशन। तो दोस्तों, अगर तमे इच्छता होय के तमारे MBBS एब्रॉड करवू छे बराबर, तो तमे सर्वम एज्युकेशनने कॉन्टेक्ट करी शको छो। ए लोको बहु एक्सपीरियंस छे आ मामलामां, 2013 ए लोकोने એડમિશન કરાવે છે છોકરાઓના એબ્રોડ અલગ અલગ કન્ટ્રીઝમાં। સો તમે જાઓ, એ લોકોની બધી ડિટેલ્સ મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે। એ લોકોની મેઇન 3 બ્રાન્ચ છે, સુરત, રાજકોટ અને જૂનાગઢ, ઠીક છે, જૂનાગઢ જેવી સિટી જેમાં હું રહું છું, મારી સિટી। અને એ લોકો કબાડીનો બાલકેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ યુનિવર્સિટીમાં બી એડમિશન કરાવે છે, જે મારી યુનિવર્સિટી છે। સો તમે ટ્રસ્ટની ને કોઈ વાત નથી બરાબર, કેમ કે હું બી એ લોકો સાથે જોડાયેલો છું। તો અગર તમારે એડમિશન લેવું હોય તો તમે કોન્ટેક્ટ કરો, બધી ડિટેલ્સ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે। સો દોસ્તો, આપ શરૂ કરતા આપણા વિડીયો, લેટ્સ ગો। सो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं रैंडम रशियन लोगों के पास जाऊंगा, ठीक है, और उनसे पूछूंगा कि उनको इंडियन लोग कैसे लगते हैं, क्या सोचते हो इंडिया के बारे में, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा तो मेरा भी वो है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है। सो आज ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे होता है ये सब। लेट्स गो। सो हेलो फ्रेंड, व्हाट्स योर नेम? सो ये दोस्तों इंग्लिश बोल पाता है, ठीक है, तो हमने इससे बात किया और हमें पता चला कि इंग्लिश बोल पाता है, तो हम इससे पूछेंगे कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इंडियन पीपल। I love Indian people. You know, I love their food, I love their spices. Uh-huh. I love how they're quiet. Quiet? I mean, yes. Yes. You know, many Indian students are studying here in the university, like 500, 600 people. So, you like the atmosphere here about Indian people? Or? I don't care, honestly. Bring more, the more the merrier. Bring more, right? Yes, the more the merrier. And what do you especially like about Indians? Food. Food. Where you tasted the Indian food? I lived in the Abshijiti. Abshijiti, and they used to cook food. Abshijiti का मतलब होता है दोस्तों hostel. So इतने hostel में खाना खाया था Indian और उसको बहुत अच्छा लगा था. So Indian people make food for you, right? Yeah. Okay. So I mean, they didn't make it specially for me, but when I asked them to try it, you speak very good English. Thank you. It's hard to find English speaking people here. So you are the first one. You are the first person I approached to. Thank you, bro. Good luck. तो दोस्तों, अभी तक तो बहुत स्ट्रगल चल रहा है हमारे यहाँ ये वीडियो बनाने में, क्योंकि ये टॉपिक पे बात करने के लिए हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है। और अभी हम 4-5 लोगों के पास गए डिफरेंट, तो उन्होंने आधों को इंग्लिश नहीं आती है, अब जिसको इंग्लिश आती है नहीं आई, मोस्ट ऑफ को तो इंग्लिश आती ही नहीं है, ठीक है, और जिसको रशियन आती है उसको हम बात करें लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो अभी हम ट्राई करेंगे कि एज मच एज पीपल से हम बात करें, ठीक है। और अभी हम यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर कोई मिले तो ढूंढते हैं, फन होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ये भी मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। सो देखते रहना दोस्तों। हम यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं, ठीक है, और ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें दे दे इंटरव्यू टाइप, ठीक है। और ये SGI का डिपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग है यहाँ पर SGI, ऐसा कुछ दिखता है, देखिए कैंपस एरिया है यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत अच्छा। यहाँ पर लोग बैठ के चिल करते हैं, ठीक है, ऐसा कैंपस है। वहाँ पर भी बीन बैग्स रखे हुए हैं। सो बहुत दोस्तों स्ट्रगल है, ठीक है, अभी देख रहे हैं कोई मिल जाए, मतलब कि सबसे डिफ़िकल्ट वीडियो है ये मेरा, और इसके लिए मेरे को लाइक चाहिए आप सबका। One eternity later. सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर डे। सो आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि वीडियो कहाँ से कहाँ आ गया, ठीक है। तो जो हम कंटेंट बना रहे थे जिस बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, ठीक है, क्योंकि हम 15-20 लोग के पास अप्रोच किए लेकिन सब ने मना कर दिया, ठीक है। उसमें से सिर्फ एक बंदे ने एग्री किया, जो पहला जिसके पास हमें अप्रोच किया उसने तुरंत हाँ बोला था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 15-20 लोगों के पास गए, ठीक है,
लोग ने मना कर दिया, लोग कहीं लोग एग्री कर रहे थे तो लेकिन बोल रहे थे कि हम कैमरे में नहीं करेंगे। तो अभी वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और अपने पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो पक्का बनाऊंगा मैं, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये वीडियो बनाएंगे हम कभी फिर, ठीक है। और आज है हमारा लास्ट क्लास इस सेमेस्टर का, सो हम जा रहे हैं अभी लास्ट क्लास में, एक छोटा सा टेस्ट होगा, सो आज वो लास्ट क्लास अटेंड करेंगे, टेस्ट देंगे और फिर हमारा फिफ्थ ईयर ख़त्म, प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर दो एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में, वो उसको देंगे तो पक्के तरीके से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज लास्ट क्लास है, सो हम जा रहे हैं क्लास की ओर, ठीक है। सुबह के बजे 9, सो ये चलते हैं आपको क्लास में, दिखाते हैं कहाँ कहाँ क्लास लगती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो टैक्सी आ चुकी है हमारी। तो दोस्तों यहाँ पर लग रही है हमारी क्लास, ठीक है। ये है एल्बर्डोवा, फर्स्ट ईयर में भी क्लास लगती है यहाँ पर बच्चों की। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, अंदर से दिखाऊंगा आपको भी। तो सत्यम एग्जाम के लिए तुम रेडी हो? पूरी तरह से, पूरी तरह से। सब कुछ पढ़ लिया तुमने? नहीं। हैं? क्या क्या पढ़ा? पढ़ना था वो। सुधीर जी आप रेडी हो एग्जाम के? आप तो फुल रेडी। टीवी लेके आ रहे हैं क्लास में, टीवी लेके आते हैं देख रहे हो? ओह ये तो पूरी तरीके से रेडी, रात भर पढ़ा, रात भर पढ़ा है भाई ये। आप जब पीछे सब बता दोस्तों, देख रहे हो सबने दो दो कप बैठ ली और मेरे को अकेला बिठा रहे पीछे, कोई नहीं आ रहा। सो दोस्तों क्लास ख़त्म हो चुकी है और टेस्ट था हमारा छोटा सा, 3 क्वेश्चन थे रिटर्न, हमने फट फट लिख दिए, ठीक है। और आधे एक घंटा हुआ है, एक घंटे में छूट गए, अब हम जा रहे हैं चाय पीने, ठीक है। सो सबसे पूछते हैं कि कैसा गया एग्ज़ाम, कैसा गया सुधीर? मेरा तो बढ़िया। इसका तो बढ़िया गया अंकित, एक नंबर। रात भर पढ़ के कैसा गया एग्जाम? एक नंबर गया क्या? मैं आपका कैसा गया सत्यम? एग्जाम तो एक नंबर ही जाता है। एग्जाम एक नंबर ही जाता है, नसीब वाले हैं। हितेन भाई आपका कैसा? अरे यार आपका कैसा गया? हार्दिक सब शर्मा रहे। देखो दोस्तों ऐसी बात है, सच सच मजा है तो अच्छा गया है, ऊपर ऊपर से सबका, ठीक है। और बस अब यही है, जा रहे हैं अभी। सो दोस्तों मुझे बहुत टाइम से बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी करप्टेड है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का ये है वो है, मतलब कि नेगेटिव रिव्यूज़ पूछ रहे हैं मुझे कि ये क्या सच है क्या। सो इस पे बहुत बड़ा हाथ है इंडियन से, जो कंसल्टेंसी लोग जिनको कबाड में एडमिशन नहीं करवाना है वो कबाडियों की बहुत सारी नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए सर प्रोफेसर को पैसा देना पड़ता है। सो ये कोई बात सच नहीं है, ठीक है, करप्टेड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है कबाडिनों के बारे में, ताकि वो यहाँ पर बच्चे ना लाए और जिसको यहाँ आना उसको यहाँ से किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दे, ठीक है, क्योंकि उनको उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा शायद से। अब ये कह नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज किया है कि ये सच बात है क्या। सो ये बात सच नहीं है, ठीक है दोस्तों, करप्टेड नहीं है, इन द सेंस इसका सच ये है कि तुम्हें पर सब्जेक्ट अगर तुम पास नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें 3 ट्राई मिलेगी। अगर तुम 3 ट्राई में भी पास नहीं हुए तो तुम्हें एक एप्लीकेशन वो पूरा फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद DO लगेगा, DO कहते हैं उसको यहाँ पर, ठीक है, और उसके थ्रू फिर तुम्हारी फिर से उस सब्जेक्ट की क्लास लगेगी और फिर से उस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होगी और फिर तुम उस सब्जेक्ट को पास करोगे। तो इसमें करप्टेड कैसे हुआ मुझे तो नहीं समझ आया, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी का रूल है कि अगर तुम्हें ईयर बैक नहीं लगा रहे, ठीक है, और तुम पैसे दे के पूरा क्लास भी फिर से अटेंड कर रहे हो किसी सब्जेक्ट का और फिर उसका एग्ज़ाम भी दे रहे हो, तो ये तो लीगल ही है, ठीक है, तो इसमें करप्टेड होने की तो कोई बात है नहीं। सो जो नेगेटिव रिव्यूज़ फैला रहे हैं वो कृपया करके ऐसा ना करें, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग इधर ग्राउंड पे प्रेजेंट है उनको पता है कि सच क्या है, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है, कोई भी अगर नेगेटिव रिव्यू दे तो 4 लोगों से और पूछो कि ये बात सच है कि नहीं, जैसे लोग मेरे को पूछ रहे हैं, ठीक है। सो अच्छे से अगर तुम एडमिशन ले रहे हो तो सब कुछ अच्छे से देखो,
कि सामने वाला बंदा क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव गिना रहा है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें होगी जो नेगेटिव होगी, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी कर अपने लिए। तो दोस्तों ये आ चुकी है चाय, ये हमारा ब्रा ब्रा देखो इंडियन चाय, ठीक है ब्रा नाच से बना था, इसको बोलते समसा। इसमें अंदर चीज़ रहता है, ठीक है। तो अभी सुबह से कुछ खाया नहीं, तो ब्रेकफास्ट इसमें ताना है, ये अभी हम खाएंगे। 1,000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 ,
लाइब्रेरी गए थे, लाइब्रेरी के बाद लाइब्रेरी ख़त्म करके हम फिर हॉस्टल आए। अभी रात के बजे हैं 9, अभी हम जा रहे हैं एक रील शूट करने, ठीक है, एक मॉल के पास, ठीक है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। अभी आपको दिखाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम से एक डांस की रील नहीं है, सोचा आज कर दे क्योंकि आज क्लासेस ख़त्म हुई है और अभी कल से छुट्टी है, तो कल से कोई क्लास नहीं लगेगी। तो जा रहे हैं अभी, ठीक है, मैं ब्रजेश और अंकित, और जाएंगे रील शूट करेंगे और फिर वापस आएंगे। सो दोस्तों, हम आए थे यहाँ पर, ठीक है, ये है कुछ लोकेशन, इधर आए थे हम वीडियो शूट करने, पर अफसोस की बात है कि काला आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पीछे लाइट है, तो ये तो भूल ही गया कि पीछे लाइट है तो आगे हम काले दिखेंगे, सो वीडियो क्लियर नहीं आएगा। अभी देख रहे हैं, दूसरी लोकेशन ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए दोस्तों। सो दोस्तों, ये जगह हमने फाइनलाइज की है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत काला आ रहा था तो ये अच्छी जगह दिख रही है, सो इधर हम वीडियो शूट करेंगे। लेट्स देखो दोस्तों, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो शूट हो चुका है कंप्लीट, बहुत अच्छा वीडियो बना, आप जाके इंस्टाग्राम पे देखना, ठीक है, मैं रील डालूंगा, मैं वो लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, कहीं पर भी आप जाके देखना वो रील, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर नहीं ये किया है तो, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, सो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके सब कुछ कर देना, ठीक है, और होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्वेरी हो अगर हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो मुझे मैसेज कर देना, मेरा नंबर और मेरा इंस्टा मेरे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों, दस विदानिया।